आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं किस तरह से मुहर्रम धुन बनाया जाता है और किस तरह से जो है उसका मतलब सेटअप किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बजाना है, मैं लास्ट में आपको बताऊँगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे म्यूजिक के बारे में हम बताते रहते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है भूवेंद्र, आप देख रहे हैं ज्ञानदीप टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों इसी तरह से नए नए म्यूजिक की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे चैनल पर वीडियो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेगा। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यहाँ पर जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा, क्लिक आप जो किए हैं पढ़ के, कि इस वीडियो में किस तरह से, अगर जो आप नए हैं, किस तरह से यहाँ पे बजाया जाता है, क्योंकि अलग अलग जो है पटरी से आप बजा सकते हैं सेम, जैसे मोटा आवाज़ में, जैसे मोटा टोन जिसको हम बोलते हैं, मोटा आवाज़ में, पतला आवाज़ में आप किस तरह से बजा सकते हैं, तो सारा यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सा पटरी से हम आवाज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे बीट वगैरह लगा के भी हम रखे हुए हैं और यहाँ पे कैसियो का धुन में ही आज यहाँ पे सेटिंग करेंगे किस तरह से मिक्सिंग होता है। तो चलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हमारे कीबोर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड के ऊपर हम कैमरा को लगाते हैं और दोस्तों वीडियो को आप जो है लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है आपको सारा चीज़ इसमें आपको मिलेगा जानकारी किस तरह से सेटअप किया जाता है कीबोर्ड का। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है फोकस आपको देना है कीबोर्ड के ऊपर कि किस तरह से यहाँ पे जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे एक ब्लैक हमारे पास यहाँ पे जो मतलब आपको दिखता होगा ये बटन और ये वाइट बटन, तो इसका मतलब यही होता है कि जिस जो आप नए नए हैं, अगर जो आप नए इसमें कीबोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, पियानो को इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों की कैसियो को, तो इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो इसका जो है यहाँ पे मेन पॉइंट होता है कि ये दोनों मिल के यानी कि ये म्यूजिक को बनाता है, क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं आगे पीछे। तो यहाँ पे हम नीचे वाले जो आपको बटन दिखता होगा ये नीचे ही बजा के हम दिखाएं, क्योंकि मेरा स्केल जो है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ट्रैक जो लगा के हमने रखे हुए हैं, तो इसके ऊपर अगर जो आप ताल के साइज से अगर बजाना चाहते हैं तो आपके पास ये कमेंट करना है कि कौन सा आपके पास कीबोर्ड है, किस तरह से उसमें टोन चलता है। तो जैसे कि आपको हमारे पास जो कीबोर्ड है जैसे MS-41 स्टूडियो का, और यहाँ पे इसका रिव्यू वगैरह भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और ये अगर कीबोर्ड है तो आप जैसे पुराना भी आप कीबोर्ड में बजा सकते हैं, कोई सा भी आपके पास कीबोर्ड हो। तो यहाँ पे ये बटन जो तीन बटन के मदद से या तो ऊपर वाला बटन के मदद से भी आप बजा सकते हैं, सबका जो बजाने का जो मतलब टैलेंट होता है वो अलग अलग है, सब मास्टर का व्यास अलग अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से भी आप बजा सकते हैं, नीचे से भी बजा सकते हैं या तो ऊपर से भी यहाँ से बजा सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान देना कि कहाँ से हम इसमें बजाना है। तो जैसे यहाँ पे कहीं से भी हम म्यूजिक को निकाल सकते हैं, लेकिन जो इसमें असलियत जो म्यूजिक मतलब होगा असली वाला, जैसे हम यहाँ पे आपको बजा के दिखाते हैं, ये जो टोन बजेगा, वॉइस जो निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये यानी महीन आवाज़ में जिसको पतली आवाज़ में हम बोलते हैं, यहाँ से अगर इसी को हम यहाँ पे अगर टैप करेंगे तो ये मोटा आवाज़ निकलेगा। तो यहाँ से जो पतली आवाज़ यहाँ से जो निकलेगा पतला, और यहाँ से मोटा, इधर जब जाएंगे तो यहाँ पे जो मोटा आवाज़ निकलेगा, और जितना नीचे हम आएंगे तो इसको जो जैसे आप बोलते हैं कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में, तो उसी तरह से नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे पतला आवाज, और यहाँ आगे जाएंगे तो ये मोटा आवाज होगा। तो हम म्यूजिक को जो बीट हमारा यहाँ पे जो ये सेलेक्ट जो करने वाला है, इस तरह से टोन ये यहाँ से लेकर मेरा कीबोर्ड, तो यहाँ पे तीन बटन के मदद से ही आगे आपको जाना है। जैसे यहाँ पे इसमें जो जैसे कि वो वाला टोन हम आपको बजा के दिखा देते हैं, तो ये मेरा केसियो वाला जो इसमें टोन है,
तो यहाँ पे जो तीन पटरी यहाँ से लेना है, तीन पटरी यहाँ से, ये तीन पटरी और तीन दुना छः पटरी और ये एक सात पटरी ही लगेगा। और ये मेरा जो है, जैसे हम ट्रैक को अगर बनाएंगे तो ट्रैक ये बन के रेडी हो जाएगा, या तो आप बजाना इसमें सीखेंगे तो ये सात ही पटरी से यहाँ पे जो है ये बिल्कुल जो है म्यूजिक निकल जाएगा दोस्तों, आप गौर से देखिएगा। तो चलिए हम बीट पे लगाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखता होगा हमारे कंप्यूटर में, यहाँ पे हमने लगा के ट्रैक भी रखे हुए हैं ताकि आपको समझाने के लिए कि किस तरह से सेटिंग किया जाता है इसका। तो इस तरह से भी लगा के आगे हम बोल सकते हैं। और इस तरह से ये अलग वाला मेरा पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट जैसे यहाँ पे इसमें टोन मतलब जो है 141 टोन इसमें आया है, जिसको हम वॉइस बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी बजा के हम आपको देखते हैं। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं, जो कि बहुत टोन इसमें होगा। और जब इसमें आप बजाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीट पे किस तरह से आपको जो है पहले सीखना है। तो इस तरह से हमारे पास जो अलग से हमने ट्रैक को लगाए हैं, ये ट्रैक हिंदी ट्रैक है और इसके आधारित यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। अब जो है जैसे वॉइस को चेंज आपको करना है तो यहाँ पे अलग वॉइस को भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे टोन के ऊपर क्लिक करके टोन को चेंज करना है। जैसे हमने आपको बताया कि ये कीबोर्ड वाला जो इसमें जो रिदम चल रहा है, जिसको हम ट्रैक बोलते हैं, ये मेरा ये यहाँ से नहीं है। और मेरा जो यहाँ पे सिलेक्ट, हमने अलग से ट्रैक को यहाँ पे कंप्यूटर में अपलोड किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे चलिए हम इसी सात पटरी के मदद से कोई सा भी टोन को निकाल सकते हैं बड़े ही आसान तरीका से। इसमें जो ध्यान देना है, सबसे पहले तीन कीबोर्ड लेना है, तीन बटन को और तीन बटन आगे, बाकी इसी के ऊपर आपको जो है मूव करना है, और एक बटन ये मेरा जो लगेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ से जाके आपको यहाँ पे आना है, यहाँ से फिर जो यहाँ से आपको मूव करना है। तो इसी में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से यहाँ पे सेटिंग करना है। और ये दोस्तों वीडियो ज़रा सा हम यहाँ पे बनाए हैं, और जैसा कि आपको पता होगा कि वीडियो लंबा यहाँ पे हो चुका है। मन में किसी तरह से अगर जो आपको वीडियो के रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका अगला भाग भी बना के हमारे चैनल पे हम अपलोड करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे जो है मुहर्रमी जो धुन किस तरह से बनाया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से, पीसी सॉफ्टवेयर की मदद से, और दोस्तों रियल में पियानो और जो एप्लीकेशन वाला पियानो कीबोर्ड होता है, वो सारा चीज़ जो है ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा हमारे ज्ञानदीप टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो नीचे कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, हमें आशा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।